हरियाणा के नूह में हुई धार्मिक हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है भरपाई भी वही करेंगे। प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान ही हैं। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालात को देखते हुए नूह के बाद गुरुग्राम पलवल में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई हैं। आज तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाया जाएगा या नहीं। पिछली बार जब एएसआई की तरफ से सर्वे शुरू किया गया था तब सर्वे पूरा हो पाता, इसके पहले ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वो सर्वे पर रोक लग गई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन में जमकर बारिश होगी। गुरुवार के लिए आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को बलिया में नूह हिंसा को लेकर कहा कि चुनाव जब भी आता है बीजेपी षड्यंत्र कर दंगे करवाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव पर कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी कम से कम 50 सीटों पर हासिल करेगी। गदर 2 11/11 को रिलीज होने वाली है। इसके देखने के साथ फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब 10 दिन पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली। उन पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्ज था। उनके परिवार में 2 बेटी और 1 बेटे हैं। दोनों बेटियां अमेरिका में हैं, वहीं बेटा पढ़ाई कर रहा है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। उनका दावा है कि सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे वैभव गहलोत के साथ लेन देन की बातचीत का जिक्र किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए गूगल और अमेजोन को टारगेट कर रहा है। बीसीसीआई ने राइट्स के लिए 15 लाख रुपए का टेंडर डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीते की मौत हुई है। इसकी वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। हेल्थ चेकअप के लिए पिछले 10 दिनों से उसको ढूंढा जा रहा था। आपको बता दें कि बीते 5 महीने में ये नवी चीते की मौत है।